राम राम। और एक सोमवार की कहानी सुनाऊंगी। पसंद आओ सब्सक्राइब करियो, कमेंट करियो, शेयर करियो। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी था। तो जो ब्राह्मण तो ना वो शिव जी को भगत, तो पूरा दिन हर हर महादेव हर हर महादेव पूरा दिन करी जा। लेकिन ब्राह्मणी का वो पसंद ना थो। ब्राह्मणी उसने रोज रोड़ा करे, पूरा दिन लागे हो रहा हर हर महादेव हर हर महादेव है। कुछ कमा के भी लिया, पूरे दिन इसका का लागे हो रहा। तो वह दिन रात उसने रोड़ा करे और वो लागे हो रहा उसकी बात ना सुने। फिर एक दिन तंग आके ने और अपना एक बैग में वह लिया कपड़ा लिया और एक पोटली ले ली, उसमें आलू उबाल के गाल लिया, नमक नमक लगा के ना कि भाई रास्ते में भूख लगा तो ये खा लिए। और पंडित चल पड़ो तो चलते चलते जंगल में एक तालाब आ गयो। थक लियो तो सोची गर्मी होगी, तालाब में ना कि नर भाई पेड़ था जंगल में तो उनका नीचे आराम करिए। तालाब नीचे ना तालाब में ना कि न और एक पेड़ के नीचे सो गयो। पोटली सराहने धर ली और आपको वो थैलो धर लियो। तो फिर उसका शिव जी पार्वती जा बोला पार्वती, तो के है पार्वती बोली बोला ने एक महाराज इसको दुख दूर कर, यो तो अच्छो ही दुखी लग गया है। देख कित जंगल में सुते हुए पेड़ के नीचे पोटली कपड़ा शराना से उन्हें लग गया है, यो तो अच्छो ही दुखी है, इसका दुख ना दूर कर। बोलो बोले भाई बोलो बोले कि ईसाई सात दुनिया में गणाए दुखी हैं, किस किस को दुख दूर करूं मैं। बोलना महाराज इसको तो करे दे। तो उसने अपना आशीर्वाद दे दिया। उसने उसकी जो पोटली में बदरिया था आलू उसका कर देता था अस्तु वल्ला डूबण गया। बोले अले पार्वती इसका सारा दुख दूर हो जाएगा। बोल ठीक से वह अपना जंगल में भ्रमण पृथ्वी पर भ्रमण करता करता अपना चलिया गया। आगे चलिया गया तो उठ के नर उसने ब्राह्मण ने देखी कि ये तो भूख लग रही है खा ले। उसने सोची लड्डू था इसमें, मन ने तो आलू धरिया था, आज तो ब्राह्मणी नहीं हूँ, काम तो बढ़िया कर दियो, इसमें लड्डू धर दिया, दो लड्डू धरिया। तो अपने उसने एक लड्डू ठा के नर खा लियो तो वो एक लड्डू और बद गया। उसने वो खा लियो तो फिर देखा उसमें तो भाई दो लड्डू फिर। तो ब्राह्मण ने सोची भाई और खा लियो एक ठाकी, खा लियो तो भाई दो फिर बच गया, पोटली कोथली का दो लड्डू खत्म ना हुए। ब्राह्मण ने छक्के खा लिया तो उसमें वह दो लड्डू लेके चल पड़े घर ने। आकाश तो या कोई तेरे ऊपर कृपा हुई है भोलानाथ की, अपना हर हर महादेव कर तो जा, चल तो जा। घर ना आ गयो, घर ना आके न सारी बात उसने बताई उसने उसकी अग भैया या कहानी हुई ब्राह्मणी तई बताई सारी बात। अग मैं तो भाई तालाब में ना किस हो गए तो और मैं तो उठे जी दी इसमें लड्डू पाया। बोल मन तू के मना धरियो, ये तो वो भोलानाथ की वह कृपा है तेरे ऊपर। फिर उनने ब्राह्मण का जो बालक बच्चा था ब्राह्मणी थी सब ने छक छक लड्डू खा लिया, फिर भी वही दो लड्डू बच गया उसमें। वह दो लड्डू बच गया तो उनने के करियो अपना एक दुकान कर ली। दुकान कर ली तो दुकान भरी लाडूआ के अपने पोटली में तो ठावे रे जचा ली। दुकान में लाडू ही लाडू दुकान खूब चल रहा। तो उसका आस पड़ोस का आदमी था वह जलन लग गया। अपने तो इनकन कोई कारीगर आवा भाई हलवाई उलवाई जो लाड्डू बना तो, और पंडित ये लाड्डू कितने ले आवा है, ये तो कोई राजस है। वह अपने अच्छे बढ़िया तो मकान बना लियो और अच्छी अमीर बन गया उन लाडुआ थे, लाडुआ को बिजनेस कर लियो उनने। तो एक दिन वह कोथली के बारे में बतलाने लग रहा दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी। और एक पड़ोसी ने लुक की सुन ली उनकी बात सारी, उसको राज खुल सुन लियो कि भैया कन किस राज ते बने ही लड्डू लड्डू कितने ले आऊँ ही ऊँ कोथली को पूरो राज दे सुन लियो उसने। तो पड़ोसी के किसमाई हुई उसने जाके ने और राजा तई बता दी। जाके राजा ने बोलो राजा ब्राह्मण के न्यू कोथली है एक जादुई कोथली है वह, और उसमें लड्डू
जितना भी काट है उतना लड्डू और गल जाए उसमें, उनका लड्डू खत्म ना हो। तो इसी को थोड़ी तो आपके पास होनी चाहिए, आप राजा हो, आपका मतलब महल में शोभा दे है, एक ब्राह्मण के घर में शोभा ना दे। तो राजा ने अपना सैनिक भेजा, सैनिक भेज की ने अरे ब्राह्मण कन भेज दिया और वह कोथड़ी मंगा ली। इब राजा का सैनिक आ गया तो ब्राह्मण भी कह कर दे दी कोथड़ी, दे दी तो वह तो हो गया फिर उसा एक कंगाल हो गया, उनको काम ठप हो गए। लड्डू कितने ले आऊँ दुकान खातर, ब्राह्मणी बोली उनसे ना ब्राह्मण ने तू फिर जा और उससे डाल जाइए जिस तरह पहली गए थो ने वहीं पेड़ नीचे सो जाइए जाके। तो बोले ठीक से अपना ब्राह्मण फिर चल पड़े, चल पड़े तो वाह अपना कोथड़ी ले कि न उस मालू नमक दर कि न चल पड़े और एक पोटली में अपना लत्ता थैले तालाब में नहाए और ना कि न रो पेड़ नीचे सो गया। वो ही इसी मतलब वो यो कि करनी उस टाइम फिर वह बोला पार्वती आ गया ब्राह्मण खातर पृथ्वी पर, इसो सूत बैठे दो साल दो ढाई साल हो गया था फिर आ गया घूमण। तो वो पार्वती बोली महाराज यो ब्राह्मण यो तो इंसान न्यू ही सुत्यो हाँ को तो कोनी होयो ना मतलब इस उधार ना होयो इसका तो कोई फर्क ना पड़े तो उस हो इसका तो कष्ट दूर ना होयो फिर कर इसका कष्ट दूर कर। तो फिर बोले ले तो उसने फिर अपना ऊँ थल में ईंट मतलब कर दियो तथा स्तूर वह ईंट आ गई उसकी जगह लाडुआ ही जगह ईंट धर दी। बोले यार ले भी इसकी वह थली लाडुआ की इसने उल्टी मिल जाएगी। बोले ठीक महाराज अपना दरकी ने चल पड़ा। ब्राह्मण अपना तड़के ही उठ्यो देखने खातर आके देखूँ ही थैली में भाई खाने खातर देखे उसने तो उसमें लड्डू की जगह ईंट, उसने तो पोतली खोली ईंट लगी है कि तो घबरा गया ब्राह्मण। बोले यह के बनी भाई रे उस थैली में तो कड है तो उतनी ईंट और हो जाए मत तो खत्म तो हुए को नहीं वही उस वो अपने माहौल बन गया लड्डू वालों। तो अपना लेके चल पड़े लेके चल पड़े तो आके ब्राह्मणी तई बताई सारी बात। ब्राह्मणी भी हैरान होगी कि भैया न्यू किस तरह हुई लड्डू ना मिलया आज तो ईंट मिली। सोचन लग गई सोच की न अरे बोली मेरा आ गई समझ में तू न्यू करे अलकारो भेज दे राजा के घर में मन बेरो पाट गई मैं अपना लड्डू की ऊपर उल्टा आऊँगा लड्डू ही पोटली की ऊपर उल्टी आओगी। बोल किस तरह बोल रसन उन राजा का भेज मतलब अलकारो भेज दे के तो मारी लाडुआ की पोटली उल्टी देना हमारे साथ युद्ध करे। तो फिर उसने अपना ब्राह्मण ने भेज दी उसका नलकारो राजा द्वारा। राजा सुन की नारान सो हो गयो कि मामूली सो तुझ सो ब्राह्मण मेरे तीस युद्ध करेगो। तो उसने आपका भेजा 20-30 सैनिक भेज दिया बोले जाओ ब्राह्मण गए लड़ाई करके आओ। इसो के ब्राह्मण है भाई वो लड़ाई कर ले को एक ब्राह्मण है तम 25-30 जाओ उसके साथ युद्ध करो। आया आया तो वह अपने ब्राह्मण ने लिया के ना आपकी पोटली खोल के धर दी आगे धर दी। तो उसमें तो आप ईंट उछल उछल के नर सब कलाग माथा बड़ा बेड बड़ा बेड उन कब को नहीं आयो। सैनिक बाज गया उल्टा बाज गया जाके उनने बताई आके महाराज ये तो निन्नू एक पोटली ले रहे हो है और उसमें तो ईट उछल उछल लग गए हैं। तो अपना राजा आयो पाछे लेकिन लाडवा ही पोटली ने बोले फिर तो भाई कोई राज सही सो आप जीत को नहीं सका जब इतना सैनिक हार गया तो फिर उसने जीता ही को नहीं राजा बूझना पड़ेगा ब्राह्मण ते लेके पोटली रायो। ब्राह्मण ने आके बोले भाई ब्राह्मण बता तेरो राज के सलाडुआ को। बोले मैं तो भगत सूँ बोला को अरे कैसे हर हर महादेव हर हर महादेव पूरा सर दाते हैं दिल तो उसने मानो हूँ तो मेरी तो उसने मदद करी है या अरे यह पोटली मेरी इस है इस तक तू कि मैं को ले इसका पोटली ते और जब तक मेरी पोटली खोज ली ले ली तो मेरे तो यहाँ इट्टें की पोटली दी है महादेव ने। तो उसने के करे अपना अच्छा सोनू धरकिन सोनू चांदी गहना हीरा मोती और उसकी वाला अडवाई पोटली। बोले ले भाई ईसो बड़ी भगत से तेरे पर भगवान ना इतना खुश है तो मैं भी तेरी भक्ति तक खुश हूँ अरे यो ले
उसने वो लाडवा ही पोटली और वो गणा दे गयो, तो उसकी पोटली उसका मतलब आत्मा आ गई। तो पंडित पंडितानी फिर अमीर हो गया और अपने भोला की कृपा होगी। दोनों मिलकर पहली तो पंडितानी नाराज थी और फिर दोनों मिलकर नर भोला की भक्ति करण लग गया। दोनों पूजा पाठ करें, बालक भी बैठा ली, आए सो मार भोला की पूजा पाठ करें वह। तो जो भी भोला की वो पूजा पाठ करेगा उनके भोला भंडारी जिस ब्राह्मण पर कृपा हुई सी, कहानी सुनने वाला कहने वाले सब पर कृपा करिए। जय भोलेनाथ। जो कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करियो, कमेंट करियो, शेयर करियो सारी बाणा ने राम।